पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड, रोज वैली चिटफंड सहित कई चिटफंड की जांच कर रही सीबीआई को दो एसपी स्तर के अधिकारियों का अचानक तबादला कर दिया गया है। इस तबादले से कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि एक अधिकारी को चेन्नई और दूसरे को मुंबई स्थानांतरित किया गया है। हालांकि अभी तक उन एसपी की रिहाई के आदेश सीबीआई कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उनकी जगह अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में एक एसपी अतिरिक्त प्रभार में है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक चिटफंड की कमान जल्दी ही नए एसपी को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि सीबीआई अगले साल शारदा मामले में अंतरिम चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही थी। उससे पहले ही मामले के प्रभारी दो एसपी का तबादला कर दिया गया है। इस तबादले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अचानक इन अधिकारियों के तबादले क्यों किए गए? सीबीआई अधिकारियों को यह स्थानांतरण स्पष्ट क्यों नहीं है? हालांकि सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह एक नियमित बदलाव है। देश भर में कुल 40 अधिकारियों का तबादला किया गया है। ये दोनों अधिकारी चिटफंड मामले की जांच से जुड़े थे। सीबीआई के एक अन्य अधिकारी का मानना है कि उनके स्थानांतरण की जांच में बाधा आएगी। गौरतलब है कि 3 साल पहले साल 2016 में सीबीआई प्रमुख अभय सिंह को कोलकाता से हटा दिया गया था। वह शारदा नारदा समेत कई जांच में शामिल थे। उनका तबादला पटना कर दिया गया था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने 2008 में आम लोगों को जबरदस्त चूना लगाया था। कंपनी का लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने बंगाल के कमिश्नर राजीव कुमार से भी पूछताछ की थी। इस मामले में शारदा प्रमुख सुदीप्त सेन सहित कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। सपोर्ट ट्रूथ, सपोर्ट अस। GPay and PhonePe 9831060581.